हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम डाउट्स। 38 क्वेश्चन प्लांट रिप्रोडक्शन में से ही एक और अच्छा क्वेश्चन है। AIPMT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विदाउट विदाउट हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यानी पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं है फिर भी सीड सेटिंग हो रही है, यानी फिर भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है और सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसा किन प्लांट्स में होता है? और ये अपने पास में चार ऑप्शंस थे, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो ऐसा किस में होता है और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के भी जो है पॉलिनेशन हो सके और फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन हो सके। ये आपके सामने एक पिक्चर है, ये पिक्चर वायोला प्लांट की है और ये है वायोला प्लांट के क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स का मतलब क्या होता है, देखो ये आपको फ्लावर दिख रहा होगा, ये सारे क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं। इनका प्रॉपर्टी ये होता है कि ये ओपन नहीं होते, दे नेवर ओपन। ओपन होना मतलब आप ये पिक्चर देखो, आपने जब भी फ्लावर देखा होगा तो आपको कुछ इस तरह से क्लियर पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन और जो कार्पल पिस्टिल्स है, ये कार्पल्स सब ओपन रहते हैं, दे आर एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हमेशा क्लोज रहेंगे, वो कभी भी ओपन नहीं होते। तो जो हमेशा क्लोज्ड रहते हैं उनको आप कहते हो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, और जो ओपन होते हैं उन्हें आप कहते हो कैस्मोगेमस फ्लावर्स, दे ओपन अप। अब देखो जब ये ओपन होंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा कि पॉलिनेशन एजेंट यहाँ तक काम कर पाए। अब जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया या इंसेक्ट्स हो गया, ये पोलन ग्रेन्स को तभी यहाँ से निकालकर किसी और जगह पहुंचा पाएंगे जब ये ओपन हो। अब आप देखो इस क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है वो कभी भी इस फ्लावर से बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कहते हैं इनको, और इनके ऑपोजिट होते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। अब बिकॉज क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कभी ओपन होते ही नहीं, और तो इसके अंदर जो पोलन्स हैं वो पोलन्स हमेशा इसके स्टिग्मा पर ही पहुंचेंगे और 100% जो है पॉलिनेशन होगा ही होगा और सीड्स का फॉर्मेशन होगा ही होगा। इसमें देर आर नो चांसेस ऑफ फेलियर, क्योंकि वो कभी ओपन होगा ही नहीं, तो पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पर ही वहां पर पहुंचेंगे। जबकि कैस्मोगेमस फ्लावर्स में ओपनिंग होने के बाद में पोलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज तो हो जाएंगे, बट इस बात की क्या गारंटी कि वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, चाहे वो इंसेक्ट के साथ जाए, इवेंट के साथ जाए या वाटर के साथ में जाओ। तो अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि पॉलिनेशन होना ही है तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स भी है और कैस्मोगेमस फ्लावर्स भी है, और उसके तीन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके पास वायोला, जिसे कॉमन पेंसी भी कहते हैं, ऑक्सालिस और कॉमेलिना। ये तीनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, आपको याद रखने हैं कि इसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स भी होंगे और कैस्मोगेमस फ्लावर्स भी होंगे, दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। आप इनको एक सिंपल निमोनिक से याद कर सकते हो और वो है कोविड। अभी आपने सुना होगा कोविड डिजीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखी है, तो इस कोविड में सी का मतलब हो जाएगा कॉमेलिना, ओ का मतलब हो जाएगा ऑक्सालिस और वी आई का मतलब हो जाएगा वायोला। डी को आप रहने दो, डी का कोई मतलब नहीं है वहां पर। तो कॉमेलिना, ऑक्सालिस और वायोला, इन तीनों का आप याद कर सकते हो वाया कोविड। तो इन तीनों में ये दोनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं। बट अब सवाल ये आता है, समझो कि सर अगर वायोला में क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रेजेंट है और हम कह रहे हैं कि 100% पॉलिनेशन होगा ही होगा, तो फिर इसमें कैस्मोगेमस फ्लावर्स भी क्यों प्रेजेंट होते हैं? तो इस बात का जवाब सुनना। देखो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में जो है ये हमेशा और हमेशा ऑटोगेमी शो करेगा, हमेशा ऑटोगेमी शो करेगा। मैं मानता हूं कि 100% चांसेस है पॉलिनेशन के, बट कंटिन्यूस सेल्फ ब्रीडिंग की वजह से, कंटिन्यूस ऑटोगेमी की वजह से वी ऑल नो कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप होता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप होगा तो हमेशा जो क्वालिटी है उसमें कमी आएगी ही आएगी। इसके ऑपोजिट आप कैस्मोगेमस फ्लावर की अगर बात करें तो कैस्मोगेमस फ्लावर पे यहाँ जो स्टिग्मा प्रेजेंट है, हो सकता है इस पे जो पोलन ग्रेन्स आए वो किसी दूसरी वैरायटी का है, रहेगा सेम स्पीशी बट किसी दूसरे प्लांट के आएंगे जो जेनेटिकली डिफरेंट होगा, और अगर जेनेटिकली डिफरेंट होगा तो हमेशा हेटरोजाइगोसिटी आएगी। हेटरोजाइगोसिटी आएगी तो आपको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बिकॉज वी ऑल नो सेल्फ पॉलिनेशन अगर कंटिन्यूस होता रहे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो दैट इज द रीजन
वाइल इट हैज बोथ क्लिस्टोगेमस एज वेल एज कैस्मोगेमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगेमस से इसको 100% पॉलिनेशन होगा ही होगा, और कैस्मोगेमस की वजह से इसमें जो है नए जीन्स भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब अगर मैं क्वेश्चन पे वापस चलूं कि इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन साल्विया फिग कॉमेलिना जोस्टेरा, नाउ वी नो द आंसर, देयर आर ओनली थ्री प्लांट्स जिनमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, वो है वायोला, ऑक्सालिस और कॉमेलिना एज पर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी। और आपको नीट में इन एग्जाम्पल्स से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये तीन ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। अगर इस तरह के और डाउट्स है आपके पास तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।